समग्र विश्व में ग्लोबल वॉर्मिंग की असर वर्ताई रही है। मौसमों ऋतुचक्र में फेरफार कर लीधो है। शियाड़ा में गर्मी और भर उनाड़े वरसाद वरसता हवे पर्यावरण ने बचाववू जरूरी बन्यू है। तेरे गुजरात में खेड ब्रह्मा शहर में युवा खेड ब्रह्मा ग्रुप द्वारा 3000 वृक्ष रोपवा आयोजन कर समग्र आयोजन आगामी 31 जुलाई सुधी चालसे। पर्यावरण ने बचावा माटे सरकारनी साथे हवे लोको पर वृक्ष रोपवा पर भार मुकी रहा छे। खेडब्रह्मा शहर में सीमेंट कॉन्क्रीटना जंगलों कूदके ने भूसके उभा थई रहा छे, जेने लईने कुदरती संपत्ति समा वृक्षोनो नाश थई रह्यो छे। त्यारे हवे खरेखर वृक्षोनु जतन करवू ए एक पड़कार बन्यो छे। त्यारे आ पड़कार ने झीलवा माटे तेमज पशु पक्षी ने फड़फड़ादी अने चारो मळी रहे तेमज धार्मिकता ने केन्द्र में राखी युवा खेडब्रह्मा ग्रुपना 250 सभ्योए खेड ब्रह्मा ने हरियाणु बनावा माटे समग्र शहर की दरेक सोसायटी में तथा बजार नी अंदर अलग अलग प्रकार वृक्षों रोपी ने ग्रीन सीटी बनावानी नेम साथे आज से आगामी 31 जुलाई सुधी 250 सभ्यों सोशल डिस्टन्स तथा ओड इवन पद्धति थी वृक्षरथनु अभियान चलावशे। पशु पक्षी ने शहर में छायडो फड़फड़ादी मड़ी रहे धार्मिक रीते जुआ जाइए तो भगवान शंकर ने पण बीलीपत्रों चढ़ावा माटे लोगों ने शहर में ज बीलीपत्रों मड़ी रहे ते माटे जुदा जुदा प्रकार वृक्षों जेवा के लीमड़ो बोरसली जामफड़ जांबू दाडम सेवन करंज सीतूर अरडूसी बिल्ली जेवा 25 जातना वृक्षों खेडब्रह्मा शहर में रोपवामां आवशे। साथे युवा खेडब्रह्मा ग्रुप द्वारा समग्र शहर में 3000 वृक्ष रोपवानुं अनेरुं आयोजन करवामां आवेल छे। તેમ યુવા ખેડ બ્રહ્મા ગ્રુપના પ્રમુખ બ્રિજેશ બારોટે જણાવ્યું હતું। યુવા ખેડ બ્રહ્મા દ્વારા આજે યુવા વૃક્ષ રથનું આયોજન કરી અને ખેડ બ્રહ્માના અલગ અલગ વોર્ડમાં 7 વોર્ડમાં અમે અલગ અલગ જગ્યાએ 3000 થી વધુ વૃક્ષ વાવી અને ખેડ બ્રહ્માને ગ્રીન ખેડ બ્રહ્મા કરાવવાનો સંકલ્પ કરેલ છે, જેના ભાગરૂપે આજે અમે એક નાનો ઉદઘાટન સમારોહ રાખેલ જેમાં તાલુકા પ્રમુખ સુરેશભાઈ પટેલ અને મહામંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ તથા મારા કારોબારી ચેરમેન ધર્મેન્દ્રભાઈ મહેતા હાજર રહી અને મેં આ રથને ગ્રીન ઝંડી આપેલ છે। અમે આગામી દિવસોમાં 3000 વૃક્ષ વાવી અને ખેડ બ્રહ્માને ગ્રીન ખેડ બ્રહ્મા બનાવવાનો નિર્ધાર કરેલ છે। ભરત ચૌહાણ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ખેડ બ્રહ્મા।